घिरे हुए जहां से आपको कैरी करना है और या कहीं से इमरजेंसी आपने उतरना है, तो उस सूरत के अंदर जो है लाजमी सी बात है, अगर कोई रस्सी आपको फेंक भी देता है, आप नीचे की तरफ है, तो आप रस्सी के थ्रू जो है ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि स्लिप कर जाएगी रस्सी। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे आपको अपने आप को हैंग करना हो, तो इसकी एक टेक्निक आपके साथ शेयर करेंगे। सिंपल टेक्निक है, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और बड़ी अच्छी टेक्निक है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आपने जो है जो रस्सी का ऐसा जो आपकी तरफ देखा जाए या जो आपको पसंद अवेलेबल है, तो आपने अपनी जितनी हाइट है इस हाइट के हिसाब से ये आपने रखी, ठीक है, ये आपकी हाइट के हिसाब से आ गया। इसके बाद ये आपने लिया, ये शोल्डर पे रखा आपने। शोल्डर पे रखने के बाद इसको पीछे की तरफ घुमाया, पीछे की तरफ घुमा के ये देखो ये घुमाया। इसको घुमाने के बाद ये आपने कर दिया, ठीक है, ये बल दिया। इसके बाद ये आपके पास पोजीशन, इस पोजीशन के बाद आपने क्या किया, जो आपके लेफ्ट हैंड में ये पोजीशन, ठीक है। और इसके हिसाब से आप चाहें तो अपना जितना गैप रखना चाहते हैं वो गैप रखने के लिए अगर कम करना है तो फिर आपने क्लोज कर लें, क्लोज करके आप यहां से ठीक है। इस पोजीशन में जो राइट वाला जो आपकी रस्सी है इसके अंदर से हिंग किया आपने, ठीक है, ये आपने हिंग करने के बाद जितना आपने गैप अपनी बॉडी में रखना है गैप। इसके बाद स्लोली ये अब क्या हो गया, ये बिल्कुल परफेक्ट जो है नॉट लग गई है। अब जो है आप किसी भी सूरत में जाकर कोई आपको ऊपर की तरफ रेस्क्यू कर रहा है तो आपके शोल्डर जो है स्ट्रॉन्ग है तो वो इजीली जो है आपको जो है ऊपर कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉट आपके बहुत काम में आती है, तो देख रहे हैं आप इस कंडीशन में आप बआसानी जो है आपको इमरजेंसी में अगर आपने कहीं से उतरना है तो उतर भी सकते हैं और अगर कोई आपको और कैरी कर रहा है तो वो बआसानी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ जो एक सिंपल सी टेक्निक शेयर की है, बहुत काम की है। तो इंशाल्लाह ताला मेरे अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और भी अच्छी अच्छी जो वीडियो टेक्निकल वीडियो शेयर करूँ। ओके, गुड लक, हाफिज़।